लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। OMG कोलन माँ व भाभी के साथ सो रही शादीशुदा बेटी पर आधी रात को बरपा ऐसा कहर सीकर। बेटी नशा 4 दिन पहले ही ससुराल से पी हराई थी। शाम से हल्की बारिश हो रही थी, रात होते होते बारिश तेज हो गई। इस बीच बातें करते करते निशा व उसकी माँ और भाभी की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात करीब 3 बजे तीनों की अचानक नींद टूटी। तीनों जिस मकान में सो रही थी उसकी पट्टियाँ टूटकर उन पर गिर रही थी। दीवार भी ढहने को थी, मौत बिल्कुल सामने खड़ी। उससे बचने के लिए महज चंद सेकंड मिले। माँ व भाभी को बस इतना ही समय मिल पाया कि वे पट्टियाँ टूटकर उनके ऊपर गिरने से पहले मकान से बाहर निकल गई। निशा को बचाने का मौका ही नहीं मिला और पूरा मकान अचानक धराशाही हो गया। निशा पट्टियों व मलबे के नीचे दब गई। माँ भाभी ने उसे बचाने के लिए शोर मचाने लगी। आधी रात को आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो निशा मलबे में दबी हुई थी। कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। बेटी की पीहर से ऐसी अंतिम विदाई ने सबकी आंखें नम कर दी। हादसा राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना इलाके के गांव चीपलाट के समीप ढाणी लादिया मोड़ पर हुआ है। रात को निकाला शव मकान गिरने से अचानक तेज आवाज आई जिससे आसपास के घरों में भी लोगों की नींद टूट गई। वहीं मकान से जान बचाकर निकली दोनों महिलाओं ने भी लोगों को हादसे की जानकारी दी। आसपास के लोग मौके पर आए तब निशा मलबे में दबी हुई थी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों व पुलिस ने रात को रेस्क्यू ऑपरेशन करके निशा को मलबे से बाहर निकाल लिया, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 4 दिन पहले ही आई थी पीहर निशा का ससुराल गांव भगेगा में है। वह 4 दिन पहले अपने ससुराल ढापाई लादिया मोड़ आई थी। बेटी की पीहर में हादसे में मौत ने सबको रुला दिया। मवेशी भी दबे होने की आशंका मकान भर भराकर अचानक ढह गया था। मकान की पट्टियों व मलबे के नीचे दबने से निशा की मौत हो गई और उसका शव भी बाहर निकाल लिया गया, मगर परिजनों को कहना है कि अभी मलबे में कई मवेशियों के भी दबे होने की आशंका है। उधर समाज सेवी रतन लादिया, दीपावास सरपंच सुभाष मीणा, चीपलाट सरपंच छबीर बलगुर्जर आदि ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने की बात कही। इधर 8 साल आया रायपुर नदी में पानी सीकर के नीम का थाना में देर रात से सुबह तक हुई बारिश कस्बे के लिए आपत और एक राहत की खबर लाई है, जहां पानी आने के सूचना के बाद से नदी देखने वालों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। बता दें कि यहां रात 3 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ था जो आज सुबह करीब 7 बजे तक जारी रहा। लगातार हुई बारिश से कस्बे के इलाके तो पानी से लबालब हो ही गए, साथ ही 8 साल से सूखी रायपुर नदी की प्यास भी आज बुझती दिखी। इससे पहले नदी में पानी का ऐसा नजारा 2010 में देखने को मिला था।